हाँ चलो, सो न्यूमेरिकल हमने देखा, आगे देखते हैं हम। नाउ हम टेक्निकल टर्म की बात करते हैं, ओके। ये हमने डे टू डे लाइफ में वर्क एनर्जी और पावर को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखा, स्केलर प्रोडक्ट देखा हमने दो वेक्टर्स का। नाउ वी विल सी टेक्निकल टर्म में वर्क एनर्जी और पावर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वर्क के लिए लिखो सबसे पहले तो, व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स causes displacement of an object, causes displacement of an object, it is called work, okay. When an application of force, मतलब के कब लिख लिया, okay, क्या बोल रहे हैं, when an application of force causes displacement of an object, मतलब के object है, हमने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स लगाया, फोर्स लगाया और साथ साथ में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तब बोलेंगे हम उसको वर्क इन टेक्निकल टर्म, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ से मैकेनिकल, इसको मैकेनिकल, इज दिस वर्क आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल वर्क, ओके। सो कब हम बोलेंगे वर्क, समझ में आ गया, when application of force applies and at the same time displacement of an object is done, and again ये तो हमने देख लिया, अभी आगे जाके देखेंगे, बट इतना समझ में आ गया। अब वापस वही पहले वाले चीज में चले जाते हैं कि हमें दूध लेने जाना है, सपोज तुम्हें, तो तुम दूध लेने गए, तुमने तुम्हारे पास पावर था, एनर्जी थी, और तुम दूध लेने गए, फोर्स लगाया पेडलिंग की, साइकिल की पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम मूव हुए, फिर वापस जाके यहां आ गए। सो क्या तुमने वर्क किया? हाँ, इस केस में वर्क किया, बट जो हम मेंटल वर्क की बात करते थे, जैसे कि तुम सोच रहे हो बैठ के ऐसे, तो तुम्हारा टाइम तो कंज्यूम हो रहा है, बट तुम फोर्स, फोर्स हम नहीं लगा रहे फिजिकली, बट अगर तुम बोलोगे इंटरनली सर हम हमारे दिमाग में जोर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो भले ही फोर्स लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा नहीं है, भले ही दिमाग पे जोर लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तुम वहीं के वहीं बैठे हुए हो, ओके। एक जगह पर बैठकर तुम पढ़ रहे हो 6 घंटे की पढ़ाई की, फिजिक्स के टर्म में तुमने वर्क कुछ नहीं किया, 6 घंटे बैठ के अगर तुमने स्टडी की, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंगली तुमने कोई भी वर्क नहीं किया है, ओके। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, कि फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगा, सिर्फ फोर्स भी नहीं चलेगा, जैसे कि ये बुक है, मैंने फोर्स लगाया और ये जहां थी वहां से ऊपर आ गई, तो ये वर्क हुआ, ओके। लेकिन मैं ऐसे पकड़ के 1 घंटे तक ऐसे खड़ा रहा, ऐसे बुक को ऐसे पकड़, सो कैन आई कॉल दैट अ वर्क, नहीं, मैं ऐसे ऐसे पकड़ के खड़ा, क्या मैं उसको वर्क बोल सकता हूँ? अरे थोड़ा लोड आ रहा है, फोर्स आ रहा है, नहीं बोल सकता। वो पॉटर वो बेचने आता है, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं नीचे नहीं चला गया, हाँ वो बात तो सही है, ओके। सो ये वर्क है क्या, मैं ऐसे खड़ा रहूं तो 1 घंटे तक? नहीं। फिर मैं ऐसे चलू तो? अब बताओ, चलो हाँ ऐसे मैं चलू तो वर्क कहलाएगा, ये मेरे ऊपर है। अभी तुम बोल रहे हो कि सर आप ऐसे ही खड़े रहोगे तो वर्क नहीं कहलाएगा, अब मैं मूव कर रहा हूं तो तुम बोल रहे हो कि वर्क कहलाएगा, कहलाएगा पक्का? देखो देखो, हाँ अगेन, मैं फोर्स लगा रहा हूँ बुक के ऊपर, कहाँ लगा रहा हूँ? बुक के ऊपर, ऐसे पकड़ने के लिए, तो बुक के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डन, और मैं चल रहा हूं। अब तुम बताओ वर्क हुआ है या नहीं हुआ? बुक ने वर्क किया है या नहीं? बुक का वर्क, मैंने फोर्स लगाया बुक के ऊपर और एट द सेम टाइम आई एम वॉकिंग, अब वर्क बुक का वर्क हुआ है या नहीं? बुक का कुछ नहीं वर्क, वो मूविंग, आपके सीट पे, आपके सीट पे, आपके सीट पे ही है, आप
तो मेरा वर्क हुआ क्या? यस मेरा वर्क हुआ। मेरा वर्क कैसे हुआ? मुझे किसने फोर्स लगाया? यस हाँ, फोर्स फ्रिक्शन, फोर्स को अपोज मैंने अपनी एनर्जी कंज्यूम करके लगाया। यस तो अगेन इस केस में भी वर्क हुआ नहीं है। जैसे मैंने फोर्स लगाया है बुक पर और बुक देखो बुक भी मूव कर रही है, पहले बुक अभी यहां थी और यहां हो गई, तो बुक का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्चुअली। तो बुक पहले यहां थी और मैं एक मीटर चला तो बुक एक मीटर आगे चली गई ना भाई, इतना डिस्प्लेस हो गई। तो उस सेंस में तो हुआ है बट एक्चुअल में नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर मैं वर्क गिनूं, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट इज एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स मेरा ऊपर ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसे जा रहा है, फोर्स मैंने ऐसे लगाया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट बुक ने ऐसे किया है हॉरिजॉन्टली, तो ये जो थीटा है वो बन गया है 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0। दैट्स व्हाई वर्क डन इज ओके। अदरवाइज तो लिख सकते हैं हम ये फॉर्मूला, तो लिख सकते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया बुक पर, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, बुक तो हो रही है डिस्प्लेसमेंट, एक मीटर डिस्प्लेस हो गई, फिर भी तो फिर भी हाँ फिर भी जीरो। क्यों? क्योंकि एफ और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ओके, जिसकी वैल्यू है जीरो। सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज अंडरस्टूड। पक्का? ओके। सो ये हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा। ओके नाउ से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो इट इज दी स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट ही है, वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हम जो बोले, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यस अब दो टाइप के वर्क है, कितने टाइप के? दो टाइप के वर्क भी दो टाइप के है, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अब ये नेगेटिव वर्क मतलब क्या है? ओके पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव? एकदम सिंपल, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन इट इज अ पॉजिटिव वर्क। और अगर जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इट इज अ नेगेटिव वर्क। ओके जैसे कि मैं पेडलिंग कर रहा हूं, ओके साइकिल चला रहा हूं मतलब, तो साइकिल चला रहा हूं पेडलिंग कर रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये डायरेक्शन में और मुझे मूव करना है, सो जो डायरेक्शन में मैं जाना चाह रहा हूं वही डायरेक्शन में जा रहा हूं, सो दैट इज पॉजिटिव वर्क। ओके अगेन से हाँ दैट इज पॉजिटिव वर्क। यस नेगेटिव वर्क इज फ्रिक्शन, मुझे जाना ये साइड है, मैं ये साइड जा रहा हूं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इज अ नेगेटिव वर्क। जैसे कि वो नहीं खेलते हम टग ऑफ वॉर, ओके टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, यहां से ये साइड से कोई और टीम खींच रही है, यहां से टीम बी खींच रही है, यहां से टीम सी खींच रही है, ओके तो सी टीम यहां से खींच रही है और बी टीम वहां से खींच रही है, ये खींचते ही जा रहे हैं, ये भी खींचते जा रहे हैं, अब मैं खींच कहां रहा हूं, मेरी साइड खींच रहा हूं, सी टीम मेरी टीम में, मैं ये साइड खींच रहा हूं, ये साइड मैं ये साइड खींचू और वो लोग ऐसे आ गए, सो दैट इज पॉजिटिव वर्क। ओके दैट मीन्स माई फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दी देयर वो बी टीम का और सी टीम का, मतलब मेरी सी टीम तो उसकी बी टीम का जो भी फोर्स होगा नेट फोर्स, उससे मेरा नेट फोर्स क्या है? ज्यादा है, तभी तो वो यहां आ गए, और मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, तो मतलब हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वो लोग इतना जोर से खींच रहे हैं कि मैं ऐसे घिसते ऐसे चला गया इसमें साइड, ओके तो मतलब हुआ क्या? यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ये डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? ओके खेल लिया टग ऑफ वॉर। ओके फ्रिक्शन जो हम बोलते हैं, जैसे कि हम चलते हैं तो ये हम जा रहे हैं आगे लेकिन फोर्स लगा रहे हैं इसको पीछे, और फ्रिक्शन फोर्स वापस हमें आगे धकेल रहा है, ओके
तो वो भी ऑपोजिट फोर्स हो गए, तो वो क्या हो गए तो वो क्या हो गया नेगेटिव वर्क। ओके, बुक में जो गिवन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। बुक में क्या गिवन है देखो, वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 degree इट इज अ पॉजिटिव वर्क। मतलब के अगर पेज नंबर 117 पे लास्ट सेकेंड लास्ट पैनल, सो लेफ्ट हैंड साइड में 117 पे लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड लास्ट पैनल 117 के लेफ्ट हैंड साइड में दो पार्ट दिए हुए हैं इन लोग ने, मतलब बहुत ज्यादा कंजूसी की हुई है लिखने के लिए, तो एक पेज पे दो पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके हाँ, सो क्या है दैट इज द पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। सो 0 to 90 degree के बीच में अगर एंगल होगा तो पॉजिटिव वर्क, और 90 to 180 degree के बीच में एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो दैट इज अ नेगेटिव वर्क। ओके, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था, एंगल तो हम डिसाइड कर लेंगे, बट समझ में आया कैसे पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। ओके, सो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो लिखना हो तो लिख लो, से पॉजिटिव वर्क डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। क्या पॉजिटिव वर्क में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। एंड नेगेटिव वर्क, उसमें सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देना है, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट, दैट्स इट। अभी वही पेज पे बोल्ड में जो लिखा है वो देखो क्या है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि फोर्स का वैल्यू क्या है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही डायरेक्शन में कितना फोर्स किया हुआ है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, दैट इज एफ डी कॉस थीटा। एंड सम थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि ये है नो वर्क डन, तो कब कब नो वर्क डन है याद रखना है, इसके बेस पे एमसीक्यू JEE नीट और बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये जो 3 केस है वैसे ही कोई भी केस दिया हुआ होगा, लेकिन फंडा इसका यूज हो रहा है। क्या है पहला केस, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज इज सीन इन द एग्जांपल अबव, अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 150 kg मास स्टेडीली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 seconds डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कि कोई वेट लिफ्टर है और उसने ऐसे करके 150 kg ऐसे करके बैठा हुआ है 30 seconds के लिए 150 kg। ओके, फिर भी वो 30 seconds के लिए इतना ऐसे मर मर जाने की हालत हो गई, फिर भी एक्चुअल के फिजिकल स्टेटमेंट में उसने कोई भी वर्क किया नहीं है। ओके, तो बोलेंगे कि भाई अभी मैं मर जाता, भले ही तुम मर जाए लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया। ओके, लाइक दैट, तो नो वर्क इज डन। उसमें सेकंड है देखो, द फोर्स इज जीरो, अ ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स बट मे अंडरगो अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये हमारा कोई सरफेस है, उसमें से ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है। ओके, तो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, भाई फोर्स कितना लगाया नहीं पता, फोर्स लगाया ही नहीं, आ रहा है। मतलब तुम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे साइकिल को मूव होते हो रहे देख रहे हो, ओके, मतलब पैडलिंग कर नहीं रहे हो और ऐसे ही कोई बैठा हुआ है और ये तो मूव हो रहा है, विदाउट फोर्स लगाए मूव कैसे हुआ, कितना वर्क अभी कितना वर्क हो रहा है, जीरो, करंटली जीरो वर्क, क्यों फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो एफ डी कॉस थीटा हम लगाएंगे, एफ की वैल्यू जीरो है क्योंकि अभी तो वो पैडलिंग कर नहीं रहा, अभी कितना वर्क है, अभी जीरो। फ्री फॉल के एग्जांपल में वर्क डन इज जीरो ले सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, फ्री फॉल में वर्क डन नहीं होता है एक्चुअल में। ओके, नहीं, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें हम नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने लिखा था नाइन्थ में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, ये इसमें भी है ही ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने वो एफ इज इक्वल्स टू एम वन एम टू डिवाइड बाई वो पूरा फॉर्मूला निकाला था, उसमें हमने लास्ट में डिराइव किया था इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, और हम क्या सोचते हैं कि भाई हाथी है उस पर ज्यादा ग्रेविटी लगेगी और चींटी पे कम लगेगी, इट्स नॉट लाइक दैट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो यू कैन से फ्री फॉल में जीरो वर्क डन होगा। देन से डिफ्यूजन,
जीरो वर्क डन, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब कि यहां मैंने अगरबत्ती चला के यहां रख दी और पूरे रूम में ये डिफ्यूज हो जा रही है, जीरो वर्क, जीरो वर्क। ओके, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ डिफ्यूजन ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट विदाउट एनी फोर्स। क्यों फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स के अंदर अंदर, उसी से ये स्प्रेड हो जा रहा है। ओके, सो डिफ्यूजन है, फ्री फॉल है, यू कैन कॉल इट देम दीज एग्जाम्पल एज से जीरो वर्क एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट है, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये केस में भी वर्क डन जीरो होगा, जैसे वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये वाला केस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब जैसे हमने बुक ऐसे फोर्स यू लगा रहा हूं मैं और ऐसे मूव हो रही है, तो भाई फोर्स में लगा रहा हूं ऊपर और बुक मूव हो रही है हॉरिजॉन्टली, तो टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जब ऐसा केस होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा 90 है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ओके, सो दैट एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन, देखो यहाँ पे मून की भी बताया गया है। देखो क्या है, इफ वी एज्यूम दैट द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज परफेक्टली सर्कुलर, मतलब अर्थ के एग्जैक्ट परफेक्टली सर्कुलर मून घूम रहा है परफेक्टली, ओके, देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क, मतलब उसके अकॉर्डिंगली तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है मून पर, मतलब कोई वर्क ही नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का कौन सा लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, और मून की ऑर्बिट्स कौन सी है? लाइक ऐसे सर्कल घूम रहा है, तो मतलब ये ऐसे 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 घूम रहा है और हमारा अर्थ यहाँ पर है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे है और ये टेंजेंशियल है, तो लाइक दिस यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, तो नो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए लिखा हुआ है The moon's instantaneous displacement is tangential. कोई भी displacement होगा instantaneous, मतलब कोई भी point पर, तो वो क्या है? Tangential. यहाँ से ऐसे, वो centripetal action हमने last chapter में देख लिया, तो वो tangential होगा, और वो tangential का देखो हमने जैसे बात की थी, तब भी बात की थी जब centripetal action discuss कर रहे थे, कि कहीं से भी तुम draw करो वो radius के तो क्या होगा? Perpendicular ही होगा। Okay, radius and tangent are always परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर होंगे तो नो वर्क इज डन। तो यही एग्जांपल वापस हम ले सकते हैं, समझ में आया? ओके, सो ये हमारी पूरी कहानी थी वर्क के बारे में। और क्या देखना है? और ये देखना है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, देखो सपोज हमें ऐसे न्यूमेरिकल गिवन है, मतलब भले ही बुक में ना गिवन हो लेकिन पूछे जाते हैं क्या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो। ओके, तो अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, सो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल डिफाइन वर्क। क्या? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल डिफाइन वर्क, मतलब कि जैसे मेरा यहाँ पे ट्राइंगल है, ऐसे ये ट्राइंगल ही ये लाइन है। ओके, मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, ये मेरा ग्राफ आया, वो कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो इसका अगर मुझे वर्क कितना वर्क हुआ, ये इस केस में वर्क कितना हुआ वो फाइंड करना है, मुझे सिर्फ ग्राफ गिवन है। ओके, तो ग्राफ में से सबसे पहले तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, इसको मैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, तो मैं उसको ऐसे करके यहाँ पे और यहाँ पे प्लॉट करूंगा, देन वैल्यू निकालूंगा। लेकिन यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया अंडर दी, एरिया अंडर दी कर्व और लाइन ऑफ अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क, मतलब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, फिर यहां पर कर्व हो या लाइन हो उसके अंडर का एरिया, उसके अंडर का एरिया मतलब क्या, उसके अंडर का एरिया मतलब उसके अंडर का एरिया यार ये वाला, अगर ये एरिया है तो ये एरिया अगर मैं फाइंड कर लू, दैट एरिया की वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू होगी किसकी? वर्क की। जैसे कि ये ट्राइंगल दिख रहा है से ए बी सी, तो से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल से ए बी सी, सो हाफ बेस इनटू हाइट निकालेंगे, हाफ इनटू बेस, बेस क्या है मेरा?
बीसी, बीसी है क्या एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट, डन। तो बीसी, बीसी के बाद डिस्प्लेसमेंट एंड हाइट, तो हाइट कितनी है इतनी, तो ये कितना है सही इतना, तो ये क्या है मेरा फोर्स, डन। ओके तो ये एक्चुअल में वही है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो ये एफ डी है, चलो एस मान लो, ये है एस, ये है एस, सो एफ इंटू एस कॉस थीटा, तो ये रहा एफ इंटू एस और ये रहा मेरे वैल्यू किसकी, कॉस थीटा। सो एरिया ऑफ एबीसी यही है वर्क डन, तो कॉस थीटा, कॉस 1/2 कब होता है 60, तो दैट मींस ये एंगल कितना है इसे 60। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। सो एरिया ये एक एक मार्क में पूछा जा सकता है, जेडब्ल्यू में भी, नीट में भी और बोर्ड में भी। ओके कि कोई भी ग्राफ गिवन होगा तुम्हें, उसका एरिया फाइंड कर लो, दैट इज द वर्क डन। लेकिन देखना कि ग्राफ किसका गिवन है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ होना चाहिए। तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया हो और फिर तुम एरिया निकाल दोगे तो नहीं मिलेगा वर्क डन। ओके समझ में आया, ओके और से डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो और तुम एरिया निकाल दोगे तो क्या मिलेगा फिर, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है और तुम एरिया अंडर दी लाइन निकाल दो या कर्व निकाल दो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ओके सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर आल्सो, ये समझ में आया। ओके ये याद रह गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया ही निकालना है, मतलब कोई भी एरिया हो, यहां पर तो ट्राइंगल था, कुछ भी गिवन हो लाइक दिस से ऐसे स्क्वायर बना दिया लो। ओके तो ये एरिया फाइंड कर लो, से वॉट एवर ये जितनी साइड है, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू फाइंड कर लो, से यहाँ पे 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो 10 इंटू 10 से 100, तो 100। ओ इतना सब कुछ पढ़ लिया, यूनिट तो पढ़ा नहीं, वर्क का यूनिट क्या है जूल। ओके फ्रॉम द साइंटिस्ट जूल, साइन नाम का साइंटिस्ट था, उसी ने दिया है सारा कंसेप्ट, तो हम क्या बोलेंगे इसको जूल। अंडरस्टूड, ओके सो ये था 10 into 10, मतलब कोई भी ग्राफ हो, ये स्क्वायर था, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, तुम्हें सिर्फ एरिया फाइंड करना है, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ओके ऐसे ऐसे करके फिर से ऐसी कोई लाइन भी दे, करना कुछ नहीं है तुम्हें, तो ग्राफ ही फाइंड करना है। तो ये इतने रेक्टेंगल का निकाल दो, फिर ये स्क्वायर का निकाल दो, ये स्क्वायर का निकाल दो और फिर ऐड कर दो। ओके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ गिवन will be given और तुम्हें एरिया फाइंड कर लेना है सिंपली, that will be the work done। हो गया, पूरा हो गया, क्या बात है, देखना फिर ऐसे गलती ना हो जाए ना, ठीक है वहां रख दो, तो स्टार्ट करो लिखना। हाँ हो गया, उसको भी तो जाना है, तो एरिया अंडर द वर्क डन इज द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज द वर्क डन, समझ में आ गया। और से अब तो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, और क्या है न्यूमेरिकल है, करना है 5 मिनट्स होंगे न्यूमेरिकल, देखो तो क्या है एग्जाम्पल 6.2, एग्जाम्पल 6.2 और से एग्जाम्पल 5.2 नए सिलेबस के ऊपर। ओके क्या गिवन है, इट इज वेल नोन दैट अ रेनड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड, अरे यार लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, तो नहीं होगा, यस हाँ रुको 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 रुको, थर्ड वाला हो सकता है, यस ओके तो इसको हम ऐसे 3 कर देते हैं। ओके A cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. अच्छा, फिसल गया ये. Okay, skid हो गया और skid होते होते भी 10 meter घिस गया वो. Okay, so say displacement S is equals to 10 meter
ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज एफ, कितना है 200 न्यूटन. फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, साइकिल पर रोड की वजह से लगता हुआ फोर्स, ये कौन सा होगा? साइकिल पर रोड की वजह से लगता हुआ फोर्स मतलब साइकिल पर रोड फ्रिक्शन फोर्स. यस, तो ऐसे बोला है बट एक्चुअल में वो फ्रिक्शन फोर्स ही है. हाँ, देन इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली ऑपोज टू द मोशन. हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स. हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन टू द साइकिल, मतलब यही फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है. हाउ मच, देखो ध्यान से समझना नहीं तो उल्टा फाइंड कर दोगे तुम. हाउ मच वर्क डज, मतलब वर्क ढूंढना है, लेकिन कौन सा वर्क? द रोड डू ऑन द साइकिल, मतलब रोड जो साइकिल पे वर्क करता है वो ढूंढना है, मतलब तुम्हें फ्रिक्शन वर्क ही ढूंढना है. तुम्हें फ्रिक्शन वर्क ढूंढना है, क्योंकि बोला है हाउ मच वर्क डज बाय द रोड ऑन टू साइकिल, साइकिल ऑन द रोड नहीं, रोड ऑन द साइकिल. ओके, तो फ्रिक्शन वर्क ढूंढना है. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू से एफ डी कॉस थीटा, अगेन हम लिख देंगे. सो एफ तो हमें गिवन ही है, साइकिल पर लगने वाला रोड से जो लग रहा है वो, दैट इज 200 गिवन ही है. डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 10 मीटर. कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्रिक्शन फोर्स 90 नहीं, एग्जैक्टली ऑपोजिट. मैं साइकिल चला रहा हूँ ये डायरेक्शन में और वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना है? 180. सो दिस एंगल वी कैन पुट एट कॉस पाई और से 180. सर ये वैल्यू पाई नहीं लिखेंगे, 180. हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ, वो वैल्यू क्या होती है वो तुम्हें याद रखना. देखो कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है? वन. कॉस 90 जीरो, और कॉस 180 वन नहीं होता, माइनस वन होता है. ओके, क्या? माइनस वन. सो कॉस 180 की वैल्यू है माइनस वन, सो ये कितना हुआ? 2000, और इसकी वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, और वर्क है मतलब क्या मिल गया हमें? जूल. नेगेटिव वर्क, सो ऑब्वियसली फ्रिक्शन है, सो इट इज अ नेगेटिव वर्क. ओके, फ्रिक्शन विल बी द नेगेटिव वर्क. अगेन तुम्हें लिख देना है कि नेगेटिव साइन इज जस्ट फॉर द इंडिकेशन. ओके, इट इज द नेगेटिव वर्क, और उसी की वजह से तो साइकिल स्टॉप हो जा रही है 10 मीटर के बाद. ओके, हाँ चलो, उसके आगे भी कुछ है. क्या है? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. लो, अब उल्टा पूछा है कि साइकिल ने रोड पे कितना काम किया. थर्ड लॉ अप्लाई करो न्यूटन्स का, तो फोर्स कितना लगेगा? न्यूटन्स का थर्ड लॉ फोर्स के लिए है या वर्क के लिए है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो रिएक्शन वर्क है या रिएक्शन फोर्स है? दोनों नहीं है, रिएक्शन फोर्स है. थर्ड लॉ फोर्स के लिए है, नॉट फॉर द वर्क. तो फोर्स तो उतना ही लगेगा. कितना? जैसे हम लिखते थे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ऐसा लिखते थे थर्ड लॉ के लिए. एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो वैसे ही ये से साइकिल पर लगने, ये तो वर्क है, ये रहा साइकिल पर लगने वाला फोर्स बाय द रोड इज 200 न्यूटन. सो एफ रोड पे लगने वाला बाय द साइकिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 200 न्यूटन. समझ में आया? श्योर? ओके, सो रोड पे साइकिल की वजह से लगने वाला फोर्स हो जाएगा माइनस 200 न्यूटन. अगेन हम माइनस बोल रहे हैं, तो माइनस ही है ना, इसीलिए तो साइकिल रुक रही है. सोचो कि ये साइकिल वाला फोर्स जो रोड पे लग रहा है वो ज्यादा होता तो साइकिल रुकती थोड़ी. वो फोर्स ज्यादा है, मतलब ये फोर्स कम है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस. तो अगर इसने ये वाला फोर्स पॉजिटिव दिया है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही होगा. तो फोर्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, इतना होगा, लेकिन हमें फोर्स पूछा नहीं है. हमें क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है. ओके, सो वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा. तो एफ है हमारा माइनस 200 न्यूटन, डी तो पाई तो हमारा वही होगा कॉस 180 इंटू डी. डी कितना होगा? 10. डी 10 नहीं होगा. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रोड
साइकिल रोड पे जो फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल रोड पे फोर्स लगा रही है तो क्या रोड खिसक रहा है? रोड थोड़ी खिसकेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रोड का नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो टोटल आंसर आएगा जीरो। डन। देखो समझो, इसलिए मैंने बोला कि क्या पूछा है, साइकिल का रोड पे फोर्स या रोड का साइकिल पे फोर्स? साइकिल का जो रोड पे फोर्स होगा, तो अभी हमने क्या बोला, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब साइकिल का रोड पे फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है? रोड। साइकिल का रोड पे फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रोड। तो रोड पे फोर्स लग रहा है जो साइकिल ने लगाया। अब डिस्प्लेसमेंट हमें साइकिल की नहीं देखनी, रोड की ही देखनी है, तो रोड थोड़ी घूम जाएगा भाई, रोड भी डिस्प्लेस हो जाएगा, तो फिर हो गया काम। स्लाइडिंग रोड है। ओके, दैट मींस वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या पूछा है, ध्यान से। ओके, पहले केस में हमने फाइंड किया क्या? क्योंकि हमें बोला, हम फाइंड कर रहे थे क्या, वर्क डन बाय द रोड ऑन टू साइकिल। तो वर्क डन हो रहा है बाय द रोड ऑन टू साइकिल, मतलब साइकिल इज एन ऑब्जेक्ट, साइकिल ऑब्जेक्ट है और साइकिल मूव भी कर रही है 10 मीटर से, तो इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट रोड है और रोड तो डिस्प्लेस करता नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट ये सब वैल्यू डालो लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो, नो वर्क डन। तो अभी जो तीन केसेस देखे थे हमने, कौन कौन से, एफ जीरो हो तो वर्क डन जीरो, डी जीरो हो तो भी वर्क डन जीरो, और थर्ड केस एफ एंड डी परपेंडिकुलर हो तो भी वर्क डन जीरो। ये तीन केस याद रख लेना, नहीं तो तुम बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स गिनते जाओगे लेकिन उसमें तुम्हें लिखना है सिर्फ जीरो। अंडरस्टूड? तो तीन केस, एफ जीरो हो तो भी वर्क डन जीरो, डी जीरो हो तो भी वर्क डन जीरो, और दोनों के बीच में 90 डिग्री हो तो भी वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। अंडरस्टूड? सो ये हमने वर्क कंप्लीट किया, देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल वी विल डू टुमारो। अंडरस्टूड? समझ में आया?